नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर, आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और आज हम फायर सेफ्टी की थर्ड यूनिट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे स्प्रिंकलर हेड कि वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे कितने टाइप के स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है फ्यूजिबल सोल्डर टाइप और सेकेंड है बल्ब टाइप। फ्यूजिबल सोल्डर टाइप में क्या होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद जो सोल्डिंग की होती है वो मेल्ट हो जाती है और जिसके कारण आपका स्प्रिंकलर हेड जो है ऑपरेट हो जाता है। बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड में क्या होता है, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, उसके अंदर कलर्ड वाटर होता है, एक छोटी सी बबल भी होती है एयर की, और जैसे ही उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट मिलती है अंदर का जो कलर्ड वाटर है वो एक्सपेंड होता है और जिसके कारण वो ग्लास जो है वो टूट जाता है और आपका जो स्प्रिंकलर है वो ऑपरेट हो जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब अगर हम बात करें फ्यूजिबल सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर हेड की, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उसके क्या क्या पार्ट होते हैं उस स्प्रिंकलर हेड के, उन पार्ट्स के नाम लिखिए। तो इसमें आप देखिए डिफ्लेक्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, योक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें डायफ्राम है, ग्लास वाल्व है, कैप है, की है, हुक है, स्ट्रट है। तो इसमें क्या होता है, हुक, स्ट्रट और की ये आपस में जुड़े होते हैं और जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल पे इनको हीट मिलती है तो ये तीनों अलग हो जाते हैं जिसके कारण जो कैप और ग्लास वाल्व है वो ऊपर से निकल आती है और पानी जो है वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और अगर अब हम बात करें इनकी कलर कोडिंग की, तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं ये इनकी कलर कोडिंग होती है। 74 डिग्री सेल्सियस तक कोई कलर नहीं होता, उसके बाद वाइट कलर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ब्लू कलर जो है वो 141 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है, 182 पे येलो और 227 पे रेड कलर। इस टाइप के कलरिंग उसमें होती है जिसको देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि इसकी क्या कैपेसिटी है, किस लेवल पे जाके ये ऑपरेट होगा, किस टेम्परेचर पे जाके ये ऑपरेट होगा। अब अगर हम बात करें बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड की, तो इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स आप देखिए, इसके अंदर एक बल्ब होता है, कैप होती है, गैस्केट होती है, स्प्रिंग होता है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आप इस पिक्चर को ज़रूर अपनी कॉपी पे डिज़ाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। आप इसका एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में आप इन सभी चीज़ों को मेंशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड्स की कलर कोडिंग के बारे में। ये मोस्टली सभी फायर अफसर्स को, सभी फायरमैन को मालूम होती है, लेकिन इस लिस्ट में आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये होती है इनकी कलर कोडिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ड्रेंचर्स की। ड्रेंचर क्या होता है, जैसे स्प्रिंकलर्स होते हैं वो बिल्डिंग को अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं, ड्रेंचर्स जो हैं वो बिल्डिंग को बाहर की आग से प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए पड़ोस में किसी बिल्डिंग में आग लगी है, वो आग आपकी बिल्डिंग तक ना पहुंच जाए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ड्रेंचर्स का यूज़ करते हैं, ये बाहर की तरफ लगते हैं। बेसिकली ड्रेंचर्स तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही मालूम पड़ता है, रूफ ड्रेंचर्स छतों पर लगते हैं, वॉल ड्रेंचर्स दीवारों पे लगते हैं और विंडो ड्रेंचर्स खिड़कियों पे लगते हैं। तो बाहर की आग से बचाने के लिए ये तीन टाइप के ड्रेंचर्स होते हैं। आप इस पिक्चर में इन ड्रेंचर्स की लेआउट भी देख सकते हैं। रूफ ड्रेंचर का डिज़ाइन स्प्रिंकलर जैसा ही होता है, इस पर सेम उसी टाइप का डिफ्लेक्टर लगा होता है, जैसे ही पानी आता है वो डिफ्लेक्टर को लग के पूरे रूफ पर फैलता है और रूफ को जो है प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करें वॉल ड्रेंचर की, तो ये एक तरीके से साइड वॉल स्प्रिंकलर होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही डिज़ाइन का होता है, इसमें एक साइड से आउटलेट होता है जो कि एक कर्टन भी बनाता है, तो ये होता है वॉल ड्रेंचर। अब अगर बात करें विंडो ड्रेंचर की, तो विंडो ड्रेंचर विंडोज़ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर लगाए जाते हैं और वहाँ से जब पानी निकलता है तो वो पानी जो है वो पूरी विंडो के पूरे ग्लास को, पूरे एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ग्रेड आई करना चाहते हैं, जो फायर सर्विस में काम करते हैं। कोई सवाल सुझाव हो आपका तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। फिर से नोट्स बनाना बहुत 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 ज़रूरी है, नोट्स हमेशा बना के रखिए, ये आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।